रिसोर्सेस मार्केट इकोनॉमी में सही तरीके से एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि मार्केट फेल कर रही है. और मार्केट फेल करने की वजह से द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंटरवीन. ठीक है ना, इसको हमने ऐसे पढ़ा कि अच्छा, फिर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया चीजों को, भाई व्हाई इज देयर अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन. तो इसका वन वर्ड आंसर तो यही होगा, मतलब वन लाइन आंसर ये होगा कि द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन बिकॉज द मार्केट इज फेलिंग. ठीक है ना, मार्केट इन इट ऑन इट्स ओन इज फेलिंग, तो द गवर्नमेंट की आवाज बहुत इज. बुरी तरह कट रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। सर आपकी आवाज कट ठीक रही है यार, है। थैंक यू थैंक यू. सही है सही है सही है सही है. बाकी लोगों के लिए भी ये मसला आ रहा है, आवाज कट रही है? नहीं सर, आपकी आवाज सही आ रही नहीं थी. सर, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, थैंक यू थैंक हो सकता यू. है सर फिर मेरे इंटरनेट में इशू हो रहा हो। ओके, तो यू डिस्कसिंग कि द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन बिकॉज द मार्केट इज फेलिंग. एक तो ये वन लाइनर आंसर हो गया, व्हाई बिकॉज द मार्केट इज फेलिंग. लेकिन उसको हम जरा सा और समझा रहे हैं कि बिकॉज इसको हम लिख लेते हैं, मार्केट इज फेलिंग. ठीक है, लेकिन उसको हम और समझा रहे हैं. मैंने आपको, अगर आपको याद हो और आपने लास्ट क्लास अटेंड की है एटलीस्ट, तो आपको पता होगा मैंने कहा था एक लिस्ट बनाएंगे हम वन बाय वन, 1 2 3 4 हम चीज़ें लिखेंगे इसमें, और आप नंबर वन पे सिर्फ ये लिख दें कि गवर्नमेंट इसलिए इंटरवीन कर रही है बिकॉज सम गुड्स, सम नेसेसरी गुड्स विल बी ओवर प्राइस्ड. और कहाँ पे ओवर प्राइस होंगे? इन द मार्केट दे विल बी ओवर प्राइस्ड इन द मार्केट या इन द मार्केट इकोनॉमी. तो द गवर्नमेंट विल डिसाइड कि यार ऐसा तो नहीं चल सकता क्योंकि नेसेसरी गुड्स हैं और इधर महंगे बिक रहे हैं, तो वी शुड इंटरवीन. ठीक है, और अच्छा फिर दूसरा सवाल ये आता है कि हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन. गवर्नमेंट जो है जब उसने डिसाइड कर लिया कि सही है, इट्स टाइम फॉर आर इंटरवेंशन, तो अब हम किस तरीके से इंटरवीन करें, वो बेसिकली हमारा मेन चैप्टर है. इसमें हम चीज़ें ऐड करते रहेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर सकती है टू इंटरवीन इन अ मार्केट इफ इट्स फेलिंग. उसमें जो नंबर वन हमने पढ़ा था वो था मैक्सिमम प्राइस. मैक्सिमम प्राइस अगर गवर्नमेंट लगा दे तो कुछ गुड्स जो के ओवर प्राइस थे उनकी प्राइस को वो कंट्रोल कर सकती है. और फिर हमने उसकी डिस्कशन शुरू की थी. जी, मैक्सिमम प्राइस को समझाने से पहले मुझे अभी तक, यहाँ तक अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक कंफर्मेशन भेज दें, ओके लिख के भेज दें. कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें. ठीक है, थैंक यू. ओके, ओके ओके. हमने कुछ नया नहीं पढ़ा अभी तक, लास्ट लास्ट की चीज़ें चल रही हैं अभी तक. हम रिपीट ही कर रहे हैं बेसिकली, हम डिवीजन कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा. तो हमने कहा कि द फर्स्ट वे फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इज टू इंट्रोड्यूस मैक्सिमम प्राइस. ओके, तो मैक्सिमम प्राइस को हमने देखा था कि होती क्या है. मैं जरा सा इसका ग्राफ वापस दिखा दूं ताकि आपको याद आ जाए चीज़ें, जिन लोगों ने समझने में थोड़ा मसला हुआ है. मैक्सिमम प्राइस लगेगी कहाँ पे? हम बेसिकली बोल रहे हैं मार्केट से जो प्राइस आ रही है बहुत महंगी है. अगर मार्केट से प्राइस आने का मतलब क्या है, वो प्राइस जो कि डिमांड सप्लाई की इंटरसेक्शन से आ रही है, ये प्राइस, ये पी नॉट बहुत महंगी है, गवर्नमेंट को ये लगता है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि यार लेट्स ट्राई इम्पोजिंग अ मैक्सिमम प्राइस. ये वो प्राइस है जिससे महंगा कोई बेच नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बात आपको माननी है, वरना वो आप पे लीगल एक्शन करेगी, फाइन लगाएगी, जेल कर देगी, बंद कर देगी आपकी दुकान.
गवर्नमेंट कैन डू सच स्टफ ना. तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई कि द मैक्सिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज एट विच द गवर्नमेंट अलाउज, सॉरी मैं डेफिनेशन थी लिखी हुई है, द मैक्सिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट अलाउज अ गुड टू बी सोल्ड. तो ये तो डेफिनेशन हो गई. और मैंने कहा था इसको प्राइस सीलिंग भी कहते हैं. तो ये सीलिंग टॉप पे होती है, तो ये टॉप मोस्ट प्राइस है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने ये बोला. और ये प्राइस टू बी इफेक्टिव हमने डिस्कस किया था, ये लगेगी बिलो द इक्विलिब्रियम. तो फॉर एग्जांपल पी नॉट जो है ये चीनी की प्राइस है 100, ये हमने डिस्कस किया था. गवर्नमेंट ने बोला नहीं, दिस 100 प्राइस जो आ रही है ये प्राइस मार्केट बहुत ज़्यादा बोल रही है, बहुत से लोग हैं जो 100 अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्राइस हम कम करेंगे ऐसे कि हम बोलेंगे भाई 70 शुड बी द प्राइस. 70 पे हमने लगा दिया मैक्सिमम सीलिंग. इस सीलिंग को क्रॉस नहीं कर सकता कोई इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो इस प्राइस के ऊपर नहीं जा सकते आप. तो ये गवर्नमेंट ने कहा भाई ये है द मैक्सिमम एट विच यू कैन सेल. ठीक हो गया. अब मसला क्या आता है कि एट दिस प्राइस ऑफ 70 या P0 या P1 जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस रखी है, उस वक्त क्या होगा, डिमांड और सप्लाई अपने तरीके से रोल प्ले करेंगे. आप देखें तो उस 70 की प्राइस पे लोग तो बड़े खुश होंगे, कंज्यूमर्स बहुत खुश होंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमें डिमांड कर्व से मिलेगी वो ये आएगी QD, और क्वांटिटी सप्लाइड हमें सप्लाई कर्व से मिलेगी वो ये आएगी QS. मसला क्या आ रहा है, मसला क्या हो रहा है इस सब में, ये है मसला, दिस गैप इज द मसला. ये गैप, हम इस गैप को क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं ये गैप क्या कहलाएगा, ऑडियो में बोल दो तो बेहतर है, गैप क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड, बिल्कुल ठीक, दिस वुड बी एक्सेस ऑफ डिमांड. ठीक हो गया, बेहतरीन. और मतलब कि बेसिकली ये हो रहा है कि एट अ प्राइस ऑफ 100, इसको थोड़ा नंबर से समझे शायद थोड़ा बेहतर हो जाए. द क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वॉज फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन कर लें इसको, या तो 2 मिलियन वॉज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, लेकिन प्राइस जब कम की तो 4 मिलियन की क्वांटिटी डिमांडेड आ रही थी, लेकिन 1 मिलियन वॉज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोगों ने सप्लाई रोक ली. बिकॉज एट अ लोअर प्राइस यू वुड बी विलिंग टू सप्लाई लेस, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, प्राइस जैसी कम होगी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है. ठीक है, तो क्या इस पॉलिसी का कोई फायदा हुआ, वॉज दिस पॉलिसी इफेक्टिव और नॉट, व्हाट डू यू थिंक सर? जो पहले आए जिनको पहले मिल गया उनके लिए इफेक्टिव थी, जो रह गए उनके लिए थी. बहुत आला, बिल्कुल ठीक, बहुत आला. मुझे ये बताएं कि इस वक्त आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम प्राइस व्हाट विल बी द क्वांटिटी ट्रेडेड, ट्रेड कितनी होगी क्वांटिटी सर जो QS पे है, QS पे वो कितनी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो कितनी है, 1 मिलियन. बिल्कुल ठीक है, 1 मिलियन विल बी द क्वांटिटी ट्रेडेड. ठीक है ना, और जो पीछे जो ये रह गए पीछे वाले 3 मिलियन लोग ये लाइन में खड़े रहेंगे, इनको बोलेंगे चीनी नहीं है मार्केट में, बात समझ में आ रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो चीनी अवेलेबल फॉर यू, ऑल द चीनी जो हम लेके आए मार्केट में हैज बीन सोल्ड. तो ये हो गया. तो वाज द पॉलिसी इफेक्टिव और नॉट? नॉट इफेक्टिव, जनरली नॉट इफेक्टिव. वो सिर्फ उनको फायदा हुआ जो के कुछ को तो हुआ ना, कुछ को तो हुआ, लेकिन हम कुछ के लिए नहीं कर रहे हैं ना, हम पूरी गवर्नमेंट है ना, हम तो सबके लिए करना चाह रहे थे कुछ, तो बाकी लोग तो उनको चीनी मिलेगी ही नहीं ना इस केस में, तो वो तो बगैर चीनी के अब चाय पियेंगे. ठीक हो गया. अच्छा आपके लिहाज से अब क्या होगा, चले यहाँ तक बात समझ में आ रही है. अब एक सिनेरियो सुन लें, फॉर एग्जाम्पल लड़कों से नॉर्मली, लड़के नॉर्मली जाते हैं बाहर लेने, अगर लड़कियाँ भी चली जाए कोई मसला नहीं, अगर आपको घर वालों ने बोला यार जाओ उधर ना चीनी लेके आओ 5 किलो 10 किलो जो भी उन्होंने बोला आप चले गए लेने, आप गए यूटिलिटी स्टोर्स जो आपके सामने थे, उन्होंने बोला भाई कि चीनी है ही नहीं, ख़त्म हो गई, बिकॉज जो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड थी वो सब बिक चुकी है, तो वी हैव नो चीनी. ठीक है, अब मसला क्या, दिस इज नॉर्मली एन एसेंशियल गुड, अननेसेसरी गुड. ठीक है ना, हम बात किसी करते हैं नेसेसरी गुड्स की, तो आप ऐसे तो नहीं आ जाएंगे वापस के कैसे ही हम कल से चीनी नहीं यूज़ करेंगे, यू विल ट्राई मोड कि चलो कहीं और से मिल जाए, नेसेसरी है, मतलब एक हैबिचुअल गुड है, यूज़ करते रहते हैं.
सर या उसका हम कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल जो गुड़ होता है ना उसको क्रश करते हैं, तो वो भी एक चीनी हाँ टाइप की चीज जनरली बन जाती जनरली बट यू विल ट्राई ना, यू विल ट्राई, यू विल ट्राई. तो अब क्या हुआ, अब मेरी सिनेरियो सुने कि आप गए और एक दुकान वाला था, उसने बोला हाँ मेरे पास है, तो आप खुश हो गए. ठीक है, उसने बोला यार लेकिन ना प्राइस जो है ना वो है 120 रुपीज पर केजी, 120 पर केजी. और तो आपने उसे बोला ये क्या बात हुई, गवर्नमेंट ने 70 का है, गवर्नमेंट ने तो बोला 70 का बेचना, आप 120 का क्यों बेच रहे. तो उसने बोला यार लेना है तो लो वरना जाओ, आपकी मर्जी. आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे खरीदेंगे इवेंचुअली सम पीपल विल बाय, इवेंचुअली सम पीपल विल बाय एट अ हायर प्राइस देन द सर। गवर्नमेंट. सप्लाई आगे इलेक्ट्रिसिटी शिफ्ट घटे ना, होगा, सप्लाई शिफ्ट नहीं होगा, सप्लाई का सप्लाई शिफ्ट। शिफ्ट नहीं होगा. उसको हम बोलेंगे इस चीज को हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में द ब्लैक मार्केट. ये इसे हम कहते हैं द ब्लैक मार्केट. ये हमेशा आ जाती है उस वक्त जब गवर्नमेंट थोड़ी गंद करती है और कंज्यूमर्स रेडी होते हैं टू पे अ हायर प्राइस. द ब्लैक मार्केट विल एमर्ज आउट ऑफ नोवेयर. ब्लैक मार्केट क्या है? ये वो मार्केट है जो कि रिकॉर्ड्स में नहीं है. ऑन रिकॉर्ड चीनी जो 70 की बिक्री है, ऑन रिकॉर्ड चीनी 70 की बिक्री है, ऑन रिकॉर्ड जो है दिस दिस गोज फॉर एवरीथिंग. आपकी जो चिकन है वो उतने की बिक्री जो गवर्नमेंट ने प्राइस दी है, आपकी दालें हैं चावल हैं जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस दी हुई है ना, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इन चीजों की, इनकी प्राइसेस को. ऑन रिकॉर्ड उतने की बिक्री है, तो गवर्नमेंट सबको इश्यू कराएगी इतने की बिक्री है. ठीक है, लेकिन वी ऑल नो कि देयर इज अ ब्लैक मार्केट इन प्लेस. और वो ब्लैक मार्केट क्या कर रही है, ये एमर्ज क्यों होती है, व्हाई डज द ब्लैक मार्केट एमर्जेस? इट एमर्जेस, इसको जरा कुछ शॉर्ट्स में लिख लेते हैं, इट एमर्जेस बिकॉज कंज्यूमर्स. अच्छा सबसे पहले तो इसका रीजन ये, इट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड. पहले तो एक्सेस डिमांड अभी तक लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, लोगों की डिमांड पूरी नहीं हुई है और मार्केट से चीज़ खत्म हो गई है, तो वो एक्सेस डिमांड को घर लेके नहीं जाएंगे आप वापस, आप कुछ करेंगे उसका. और वो एक्सेस डिमांड की वजह से एक ब्लैक मार्केट आ जाएगी. और देखिए ना ये सप्लाई कम क्यों हुई थी, ये सप्लाई प्राइस कम होने से क्वान्टिटी सप्लाई अचानक से कम क्यों हो गई, कम ऐसे कैसे हो गई? अगर उसको लॉजिकली सोचें ऑन ग्राउंड क्या हो रहा होगा, ऑन ग्राउंड ये हो रहा होगा कि यार जो प्रोड्यूसर्स है ना उन्होंने बोला होगा यार हम तो बेच ही नहीं रहे इस प्राइस पे, 70 रुपये तो हम बेच ही नहीं रहे. सही है, और लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा फिर डंडा किया होगा, गवर्नमेंट ने कहा होगा आप रोक के दिखाएं, तो फिर उन्होंने कहा चलो हम थोड़ा बहुत बेच देंगे ताकि खाना बूढ़ी हो जाए. दिस लिटरली हैपेंस, ये यही होता है. और बाकी आप क्या करते हैं, गोदाम में रख लेते हैं अपने पास, क्यों? ताकि आप वेट करते हैं फॉर द प्राइस टू राइज या टू सेल इट इन ब्लैक, जहाँ गवर्नमेंट को नहीं पता कितने की बिक्री है. बात समझ में आ रही है? तो आपने अपनी क्वांटिटी सप्लाई जानबूझ के कम की, डेलिबरेटली आर्टिफिशियली कम कर ली बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू सेल योर स्टफ एट दिस प्राइस. और फिर ये हो गया. अब गवर्नमेंट एक और पॉलिसी, मतलब टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन गवर्नमेंट कैन ट्राई सम मोर पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट बोले यार अब ना हम जो लोग स्टॉक कर रहे हैं इन चीज़ों को, स्टॉक्स कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पाइल अप कर रहे हैं अपने पास गोदाम में, उनके ऊपर भी केस करेंगे, जो कि गवर्नमेंट कर रही है, मतलब एटलीस्ट ऑन पेपर तो कर रही है. तो वो यही कह रहे हैं कि हम अब इनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इनको एक्सपोज करेंगे, और अगर आपने इतनी चीनी मिली आपके पास से तो इतनी जेल हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा. तो मतलब सही है, मतलब दिस पॉलिसी मेक्स सेंस. रियलिटी में ऑन ग्राउंड चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, वो एक अलग कहानी है. और वो क्यों होती है, उसका उसका मेन रीजन यही कि आपकी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है और कोई रीजन नहीं है. मतलब पॉलिसीज आप देखें तो आपको लगेगी सही है, पॉलिसी बुरी नहीं है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन बुरी है. खैर, इट एमर्जेस बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड. दूसरा क्या है, दिस इज वेयर कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे हायर जस्ट टू गेट द कमोडिटी. जो आपके पास टिकट्स ब्लैक होते हैं वो भी पता है ना, वो भी यही है. तुम लोगों में से कोई गया था जब कराची में PSL के मैचेस हुए, और उससे पहले PSL में तो तब भी इतनी गंद नहीं हुई, या हुई होगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. उससे पहले जो जिम्बाब्वे की टीम आई थी ना सर, PSL में
पीएसएल में भी हुई सर होगी बिल्कुल कैप से ना फाइनल में जो, हाँ सर जो 500 रुपए वाला टिकट था ना वो लोग 1500-1500 का बेचे थे और वो बिक भी रहा था। क्यों ब्लैक में बिकने का मतलब क्या कि भाई वो बिक रहे हैं एट अ हायर प्राइस देन द गवर्नमेंट्स इंपोस्ड प्राइस। गवर्नमेंट ने जो प्राइस इंपोज की थी वो तो 500 थी, लेकिन वही 500 का टिकट 3000 तक के बिके, 4-5000 के बिके। बिकॉज क्यों बिके? बिकॉज द कंज्यूमर वर रेडी, वरना नहीं बिकते। कंज्यूमर वॉज रेडी टू बाय एट दैट प्राइस, कंज्यूमर आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस जस्ट टू गेट द कमोडिटी। अब उनके लिए वो मैच की जो इसको हम इकोनॉमिक्स में समझाएंगे कि यार उनकी जो विलिंगनेस टू पे थी वो बहुत ज्यादा थी, सही है ना। तो उनको कंज्यूमर सरप्लस ही बहुत ज्यादा मिल रहा था एट द गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस। तो जब तक कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है उनको, वो हायर प्राइस पे करते रहेंगे, ठीक है ना। उनकी विलिंगनेस टू पे बहुत ज्यादा थी। ब्लैक मार्केट एमर्जेस नॉट बिकॉज ऑफ द सप्लायर बट बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप गालियां बकेंगे लोगों को कि यार ये इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं जब गवर्नमेंट ने ये प्राइस दी है। आपको बोलना चाहिए कंज्यूमर पागल है, कंज्यूमर की गलती है कि वो क्यों खरीद रहा है इस प्राइस पर। अगर सारे कंज्यूमर छोड़ दें इस प्राइस पर खरीदना, क्या होगा इवेंचुअली? डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस विल डेफिनेटली फॉल डाउन। डिमांड जब भी कम होती है प्राइसेस फॉल डाउन, हमें पता है। लेकिन डिमांड कलेक्टिवली कम करना भी तो मुश्किल काम है ना। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि हर बंदा जो है अपना सोच रहा होता है। अगर एक कलेक्टिव तरीके से कंज्यूमर्स की कोई सोसाइटी बना दें हम, एक सोसाइटी तो नहीं है सच, बट एक प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ कंज्यूमर्स एक डिसीजन ले रहे हो कलेक्टिव माइंडसेट के साथ, तो आप देखें क्या होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये सब चीजें? किसी कुछ पूछना है तो पूछ लें प्लीज सर। लेकिन जब ये सब कुछ इफेक्टिव होता ही नहीं है, लाइक प्रोड्यूसर का इसे फायदा हो रहा है, कंज्यूमर का तो नुकसान हो रहा है, तो फिर ये पॉलिसीज बनती क्यों है? नहीं नहीं, आप देखिए इफेक्टिव हो सकता है ना, मतलब आप ये नहीं कह रहे कि इफेक्टिव नहीं होता। जनरली ये मसले आते हैं, हमने मसले डिस्कस कर लिया, ठीक है वो अच्छा सवाल है। फिर गवर्नमेंट कर ही हो रही है, गवर्नमेंट को हमसे तो बेहतर ही पता होगा। पाकिस्तान के बाहर तो इफेक्टिव हो जाएंगे। नहीं दिस कर्व विल होल्ड ट्रू फॉर एनीवेयर ना। ये डायग्राम जो हमने बनाई है, ये जो हमने एक्सेस डिमांड दिखाई है, दिस विल होल्ड ट्रू फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी कंट्री, फॉर एवरी प्लेस देयर इज, क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप आएगा जब भी आप इम्पोज कर देंगे प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आप एक प्राइस इम्पोज करेंगे तो उस पर क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ज्यादा होगी, क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा कम होगी, तो एक गैप तो आना है, ठीक है। अब इस गैप के साथ करना क्या? अब इस गैप के साथ करना क्या? अब इस गैप को हटाने के लिए गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर आए, ठीक है, वरना ब्लैक मार्केट तो चली रही होगी पीछे से, जो कि अननोन मार्केट है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से ये वो ट्रेड है दैट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, ट्रेड दैट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, द ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट को नहीं पता ये हो रहा है सर। तो गवर्नमेंट जो है चीनी के प्राइस बढ़ा दे, जिन जिन के पास स्टॉक है सबका पता चल जाएगा। उसके लिए फायदा क्या होगा? इवेंचुअली कंज्यूमर्स को नुकसान होगा ना? नहीं ना, तो जब पता चल जाएगा जिस जिसके पास है। देखिए इनकी चैनल है ना, मतलब ये इतना आसान नहीं है। आप हो सकता है गलत बात नहीं कर रहे, सही अच्छी बात है, सोचना चाहिए। गवर्नमेंट की अपनी चीनी की मार्केट्स, ये एक अलग मसला है यहाँ पे, सही कह रहे हैं आप भी, क्योंकि जो हमारी चीनी मार्केट, हाँ सर यहाँ तो पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट के पास है ना पूरा। हाँ ये बड़ा मसला है, इसे हम कहते हैं बिजनेस स्टडीज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक्स में भी कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक बड़ी मजे की चीज है ना, मतलब व्हेन टू इंटरेस्ट कोलाइड, ये आई थिंक आपने बिजनेस में पढ़ा हो, क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ये अभी जो आप लोगों ने बात की कि गवर्नमेंट अगर खुद ही चीनी का प्रोड्यूसर हो तो फिर क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, तजाद, फड्डा। इंटरेस्ट आपके दो इंटरेस्ट हैं एज अ गवर्नमेंट, योर इंटरेस्ट इज टू इज पब्लिक वेलफेयर, आप चाहते हैं लोग खुश रहें, कम जो सस्ती चीजें मिले उनको, जो जरूरी चीजें नेसेसरी गुड्स शुड बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, एज अ गवर्नमेंट यू वुड वांट दैट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्रोड्यूसर भी हो गए तो आप चाहेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस भी मिले, दोनों चीजें मिल रही है ना, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बात समझ में आ रही है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, और इसको डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, ये हर इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल काम है, हम सब फेस करते हैं ये चीज ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
मैं अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूँ कि अगर आप मेरा इंटरेस्ट में ये होगा कि आप मेरी क्लास के बच्चों के मार्क्स जो है हाईएस्ट आए ताकि सबको लगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यार इनके जो हैं इनको मैं ये ना ओवर कॉन्फिडेंट ना कर दूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इनको रियलिटी दिखाऊँ और इनको बताऊँ कि तुम अभी फेल हो रहे हो ताकि तुम पढ़ना शुरू कर दो और ताकि इनका इवेंचुअल ग्रेड अच्छा हो जाए। ये मेरा एक और इंटरेस्ट है। तो अब ये दोनों इंटरेस्ट कोलाइड कर रहे हैं बस में, और अब मुझे फैसला करना है मैं क्या करूँ। तो यू हैव टू चूज वन ओवर द अदर इवेंचुअली, सही है। तो गवर्नमेंट अगर है, फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उसमें तो बड़ा ही मसला यही था ना, नवाज शरीफ वॉज अ बिजनेसमैन ना और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, और उनकी बड़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उनके शेयर थे और मैन्युफैक्चर करते चीज़ें। अगर आपको पता हो लाहौर में अनहार के नाम से पूरा इनका मिल्क सप्लाई नहीं है। अब ये पॉलिसी बनाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं को इफेक्ट करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये मसला था, डोनाल्ड ट्रंप भी बिजनेसमैन था ना और वो भी रूल कर रहा था, तो अब पॉलिसीज जो भी आ रही थी बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हो रहा था उससे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह आ जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना ही तो सारा गेम है, ये समझना है आपने। खैर, ये सवाल जो था कि गवर्नमेंट फिर क्या करे, गवर्नमेंट कुछ और कर सकती है, वो हम नंबर टू नंबर थ्री पे लिखते रहेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो ओके लिख के भेजने, कोई कंफ्यूजन है पूछना। सर मुझे सवाल है। सर ये 70 और 100 के बीच के अंदर ब्लैक मार्केट होगी ना, तो फिर आपने 120 क्यों बोला था? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, द ब्लैक मार्केट कैन सेल एट एनी प्राइस दे वांट। लेकिन सर वो फिर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो वो भी तो प्रॉब्लम होगा प्रोड्यूसर्स के लिए। उसका मतलब देखें उसको, चलो अच्छा सवाल है, उसको मैं समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा 120 बेचूंगा, ठीक है। 120 पे जो आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड आ रही है उसको देखें सिर्फ 120 पे। फॉर एग्जांपल 0.5 मिलियन लोग हैं, जो कि खरीदने को रेडी हैं के लिए, तो वो बिक जाएगा, ठीक है। जब भी मैंने ब्लैक मार्केट को डायग्राम पे शो नहीं किया आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ शो करना जरूरी भी नहीं है फॉर द सेक ऑफ योर ओन सिलेबस, जरूरी नहीं है। आपको बस ये समझ में आ जाए कि किसी भी प्राइस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड है वो बिक जाएगी, ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि ब्लैक मार्केट इस इन दोनों प्राइसेस के दरमियान में बेचे, इनके दरमियान में बेच भी सकती है नहीं भी बेच सकती, उसकी मर्जी। ओके जी, कोई कंफ्यूजन? ओके हसन, नाइस। ओके तो मुझे ये बताएं कि ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज। अच्छा इसमें एक लास्ट चीज जो मैंने लास्ट बार भी बताई थी इसको भी कंक्लूड करते हैं। अगर आपने, मैंने यह लिखा भी था इसको कहीं पे, ये चीज अगर आपने इसको लिख लें, इफ द गवर्नमेंट सेट्स द मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की वो क्या थी, बिलो द इक्विलिब्रियम की, ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो भी आई है उससे नीचे सेट की थी हमने। मैक्सिमम प्राइस हमेशा उससे नीचे ही सेट करेंगे आप, उससे ऊपर सेट करना बेवकूफी है, क्योंकि दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग, है ना। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है चीनी 100 रुपए की बिक रही है, आपका स्टोर है, गवर्नमेंट का कोई बंदा आया आपके पास बोलने यार आप ना 150 से महंगी नहीं बेच सकते, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे ठीक है हम 150 से सस्ती ही बेच रहे हैं ऑलरेडी, हम तो गवर्नमेंट के रूल कंप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर लगाना बेवकूफी की बात है, बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द मार्केट। और ये मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज भी आती है नॉर्मली कि उन्होंने मैक्सिमम प्राइस ऊपर लगा दी और बोला क्या होगा, डिमांड में गैप आएगा, सप्लाई में गैप होगा, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, उसका आंसर क्या है, देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज दैट मैक्सिमम प्राइस विच इज इम्पोज्ड अबव द इक्विलिब्रियम लेवल इज एन इनइफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस। वो मैक्सिमम प्राइस इनइफेक्टिव है। फॉर द मैक्सिमम प्राइस टू बी इफेक्टिव, इसको मैंने लिखा था, देखो फॉर अ मैक्सिमम प्राइस टू बी इफेक्टिव इट शुड बी सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक हो गया। ओके सर,
जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट की हुई होती है हर चीज की, तो सर फिर जब हम मार्केट जाते हैं तो फिर कोई भी एक एक कोई हमें चीज लेनी है तो डिफरेंट जगहों पर उसकी प्राइसेस पे वेरी क्यों करती है? नहीं देखो देखो देखो, गवर्नमेंट ने पहले तो ये आपकी स्टेटमेंट पहली वाली गलत है कि हर चीज़ की प्राइस नहीं सेट की हुई होती, ठीक है। जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट जो है, जो ज़रूरी अशिया है जैसे कि होने चाहिए, जो हमारे यहाँ तो बड़ा मसला है ना, हमारे तो ज़रूरी तो पता नहीं क्या है, दूध फॉर एग्जाम्पल, वो एक नेसेसरी चीज़ है, या कि बच्चे अगर नहीं पियेंगे उनको तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान में, आपके अपने कराची में गवर्नमेंट स्कूल्स में ये रूल था पहले कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको सुबह गवर्नमेंट की तरफ से एक गिलास दूध मिलेगा, पाकिस्तान में कराची में हर बच्चे को, पर बाहर मुल्कों में अभी भी होता है, कुवैत कुछ जगहों पे अभी भी होता है बिल्कुल, बिकॉज वो उनको लगता है कि जरूरत है इस चीज की, कुवैत में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेहतरीन। तो अब वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे ना कि वो किस चीज़ को नेसेसरी समझ रही है और किसको नहीं समझ रही, क्यों समझ रही है क्यों नहीं समझ रही, वो तो एक अलग बहस है, हम अभी गवर्नमेंट पे कमेंट करने नहीं बैठे। हम बात करें थ्योरी की, थ्योरेटिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट उन चीज़ों की प्राइसेस को सेट कर दे जो कि जरूरी है, नेसेसरी गुड्स, क्योंकि वो अगर मार्केट ने उसको ओवर प्राइस कर दिया तो मसला हो जाएगा, जैसे कि हमेशा होता है, अंडे फॉर एग्जाम्पल, दूध, चीनी, चिकन, बीफ, मतलब ये वो बेसिक्स है ना यार, जो कि ये तो आप चाहेंगे कि यार एक गरीब आदमी तक पहुंचे, अगर ये भी नहीं मिल रही गरीब आदमी को तो फिर तो क्या फायदा गवर्नमेंट का, मतलब फिर तो किसी का कोई फायदा नहीं, और नहीं मिल रही पाकिस्तान में ऐसा, ये बड़ा मसला है, ये बेसिक्स का मसला है, तो ये है बस। खैर आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली वी हैव मिनिमम प्राइसेस, जिस तरीके से मैक्सिमम प्राइस एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन का तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, मिनिमम प्राइसेस, और उसका जो रीजन है वो क्या है, जैसे हमने कहा कि सम गुड्स जो है दे विल बी ओवर प्राइस इन द मार्केट, तो सम गुड्स विल बी अंडर प्राइस इन द मार्केट, गवर्नमेंट को लगेगा यार इनको महंगा करना चाहिए, ये सस्ते हैं। क्या हो सकता है आपके जहन में ऐसा कोई कमोडिटी जो गवर्नमेंट बोले महंगा करना चाहिए इसको? सर डीमेरिट गुड्स, क्या बात है, क्या होते हैं डीमेरिट गुड्स, हमने तो नहीं पढ़े। टोबैको, टोबैको, बिल्कुल नहीं, सिगरेट्स या जो भी ऐसी चीजें चरस, जो, हाँ ड्रग्स, सही है। तो ऐसी वो चीजें जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये कम कंज्यूम होनी चाहिए, उस पे वो मिनिमम प्राइस लगाएगी, तो गवर्नमेंट बोलेगी इसको कम से कम इतने का बेचा, और मतलब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बेसिकली मैक्सिमम प्राइस लगा के आप चीजें सस्ती करते हैं, मैक्सिमम प्राइस करा के लगा के आप क्या करते हैं, चीजें सस्ती करते हैं, आपने बिलो द इक्विलिब्रियम लगाया ना, सिमिलरली मिनिमम प्राइस लगा के आप चीजें महंगी करेंगे, और कैसे महंगी करेंगे वो देखते हैं। तो ये आपकी इनिशियल डिमांड सप्लाई कर लें, ठीक है, और क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस, यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, जो मार्केट की थ्योरी है वो कहती है ये इस इक्विलिब्रियम से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता ना, हमारी थ्योरी ये थी ना मार्केट की कि डिमांड सप्लाई पे आप छोड़ दें और बस जो आंसर आ रहा है वही बेस्ट पॉसिबल आंसर है, बिकॉज ये एक तरीके से कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स ने मिल के फैसला किया, ठीक है, लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं कि द मार्केट फेल्स, सम गुड्स आर ओवर प्राइस, सम आर अंडर प्राइस्ड, तो गवर्नमेंट दो तरह के गुड्स हैं जिनमें वो मिनिमम प्राइसेस लगाती है, जनरली स्पीकिंग, जनरली गवर्नमेंट दो तरह के गुड्स पे मिनिमम प्राइस लगाती है, एक तो वही है जैसा कि अब्दुल अजीज और अहमद ने कहा कि हार्मफुल गुड्स, गवर्नमेंट चाहेगी कि महंगे हों, क्यों चाहेगी, महंगे होने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाएगी। हाँ डिमांड का वर्ड नहीं, हम क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी ट्रेडेड कम हो जाएगी बिल्कुल, ताकि उसकी कंजम्पशन कम हो, गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स, फॉर एग्जांपल नंबर वन एग्जांपल इज सिगरेट्स, गवर्नमेंट चाहती है कि यार वो कम कंज्यूम हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मिनिमम प्राइस लगाएगी, मिनिमम प्राइस कहाँ होगी, अबव द इक्विलिब्रियम या बिलो द इक्विलिब्रियम, अबव अबव, ठीक है,
अब देख लेंगे सर क्यों क्यों तुम बताओ, क्योंकि हम बोल क्या रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं आपने कम से कम इतने पे बेचना है। मिनिमम प्राइस को हम प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, प्राइस फ्लोर समझ ले, ये वो प्राइस है जहां से प्राइसेस स्टार्ट कर रही है, इससे ऊपर आप बेचना चाहे मर्जी है आपकी। सिमिलरली मैक्सिमम प्राइस को हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते, इसके नीचे आप बेच सकते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो बेचना ही नहीं चाहे तो इतनी हाई प्राइस बोला ना, आप तो बेचना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला तो बेचना पड़ेगा ना, यही तो मसला है ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, तो प्रोड्यूसर क्यों नहीं चाहेगा, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है ना, क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ेगी, लॉ ऑफ सप्लाई, आप ये देखिए ना पहले क्यों ना, इसमें वो भी आ सकता है लेबर की जो एक दिन की दिहाड़ी जैसे होती है ये भी आ सकता है। बेहतरीन, बिल्कुल सही, बहुत आला, मैं दूसरा केस यही बताना था, मैं उसको आ रहा हूँ वहां तक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आएगा। गवर्नमेंट जब किसी प्राइस को महंगा करना चाह रही है, और जैसा कि इन्होंने बोला कि लेबर फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को लगे यार कि इस वक्त जो डिमांड सप्लाई फॉर एग्जांपल ये है डिमांड ऑफ फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर, सही है, तो उससे जो प्राइस आ रही है, प्राइस ऑफ लेबर, इसको हम वेजेस कहते हैं, आपने अकाउंटिंग में बिजनेस में कहीं वर्ड देखा होगा, वेजेस क्या होती है, वो जो हम पे करते हैं लेबर को, ये वेजेस हमें लग रहा है कम है, तो गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द मिनिमम वेज, गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द वेज, वेज रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज सेट कर सकती है, ठीक है, कम से कम इतना देना है आपने लेबर को, पाकिस्तान में है ना मिनिमम वेज कितनी है, मिनिमम वेज पाकिस्तान में सर 1500 आई गेस, 1500 नहीं 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 यस थाउजेंड्स में, हां 17800 कुछ है सर, हां 17800 कुछ, हां तकरीबन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे 1500 कैसे, अरे सर मैं दिहाड़ीदार मजदूर की बात कर रहा हूं, उसकी प्राइस है 1500, नहीं वो नहीं 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 वो भी नहीं है, वो उससे कम है, क्योंकि हम वैसे नॉर्मली हम बात करते हैं पाकिस्तान में मंथली बेसिस की ना, पर मंथ पेमेंट हो रही होती है, तो पर मंथ जो मिनिमम वेज रखी है गवर्नमेंट ने वो आई थिंक 17800 के करीब कुछ है, आप क्या ऐसे लोगों को जानते हैं जो महीने में से कम कमाते हैं, जी सर होते हैं वो जैसे ऑफिसर्स में पियोन्स होते हैं या गार्ड है, गार्ड है, गार्ड को कम मिलती है, 14-14 हजार होती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जो कि गवर्नमेंट ने बोला मिनिमम 17800 देने चाहिए, सब ब्लैक मार्केट, मजबूरी, उनको इतने भी नहीं मिलते, इतने भी नहीं मिलते, और एक तरीके से ब्लैक सप्लाई, इसको भी एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है लेबर की, लेबर बहुत सप्लाई में अवेलेबल है, अगर लेबर अवेलेबल ना हो तो फिर वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, हमने तो डिस्कस किया हुआ है ना, जितना कम अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा वैल्यू, और पाकिस्तान में मसला क्या है कि लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा लोग हैं, हम माशाल्लाह यूथफुल कंट्री हैं, और हर साल हम हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे ग्रेजुएट्स भी बहुत ज़्यादा हर साल निकलते हैं बाहर, तो वी हैव सो मच सप्लाई ऑफ लेबर कि जो वेज रेट ऑफर्ड होते हैं वो कम होते रहते हैं, सप्लाई बढ़ने से वेज कम होती है, प्राइस कम होती है, प्राइस ऑफ लेबर इज वेज, सही है ना, तो ये बड़ा मसला है, अगर सप्लाई ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हम बात करें तो जो जिनको मासी कहते हैं, जो घरों में काम करने आती हैं, उनकी वेजेस वैसे अगर आप कलेक्टिवली देखें, वो बेचारी 4-5 घरों पे काम करके टोटल जो कमाते हैं वो ऑब्वियसली कम है देन द मिनिमम वेज रेट, ठीक है, और सर पर डे लेबर का 600 बन रहा है, ये 17500 डिवाइड बाय 30, हाँ बिल्कुल ठीक, तो वो कम है उससे जितना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, सही है, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिर्फ ये कि वो बहुत ज्यादा सप्लाई में अवेलेबल है, उनका उनका स्किल जो है वो इतना प्रेशियस नहीं है कि वो कम अवेलेबल हो, वो स्किल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वो लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल है जो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर आप और इन सब बेचारियों से जो भी काम करवा लें ना, आप इनसे घर साफ करवाएं, बच्चों की देखभाल करवाएं, खाना बनवा लें और सब कुछ करवा लें, और उनको मिनिमम वेज से कम पे करें, वो खुश रहेंगे, और लेकिन अगर आपको सेम सर्विसेज के लिए हायर करना हो किसी को वेस्ट में, यूके में फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लग पता जाएगा, अब बात समझ में आ रही है, अगर आपको सेम सर्विसेज के लिए आपको कोई मेड रखनी हो या बेबी सीटर रखना हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन लोगों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ एक हाई पेड जॉब है वो, क्यों है सर 1600 यूरो, क्यों क्यों लगता है आपको ऐसा, वहाँ पे सर वहाँ पे जो है वो उनकी मतलब जो लेबर्स हैं उनकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है ना, एग्जैक्टली, और डिमांड ज्यादा, बेहतरीन,
वहां पे जो है हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दे नीड अ बेबीसिटर, डिमांड आता है जनरली, और वहां पे सप्लाई बहुत कम है, लोग इतने विलिंग नहीं है घरों पे काम करने के लिए। सर वहां तो लोग पेंट भी खुद कर रहे होते हैं, सारे काम लोग वहां खुद कर रहे होते हैं, प्लंबिंग करना पड़ता है ना, उसका इसका रीजन है ना, बिकॉज़ कॉलेज का प्रोफेसर भी ये काम कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हायरिंग समवन वुड टेक अ लॉट, उतना पैसा है नहीं आपके पास, तो करना पड़ेगा। मेरे एक जानने वाले हैं, वो अपना किस्सा सुना रहे थे कि जापान में, फॉर एग्जांपल, जापान बड़ा कमाल का मुल्क लगता है मुझे इस तरीके से। वो गए इंजीनियर थे आई थिंक, वो गए जापान में काम करने के लिए, तो उनको बोला गया भाई कि ये जो फैक्ट्री है इसके जो वॉशरूम्स है ना, ये इसकी सफाई ना हमने बांटी हुई है वर्कर्स ने आपस में, तो मतलब जिस दिन आपका दिन होगा उस दिन आपको साफ करने होंगे वॉशरूम्स। अच्छा, ये पाकिस्तान से आए हुए थे, इनकी हट गई, कह रहे क्या मजाक है, हम और वॉशरूम साफ करें, हमने तो इतना पढ़ा हुआ और हम ये करें और वो करा हुआ। फिर वो बता रहे थे कि देन ही सॉ दैट द सीईओ ऑफ द कंपनी हिमसेल्फ वाज वॉशिंग द वॉशरूम्स, वाज क्लीनिंग एवरीथिंग ऑन हिज डे। फिर कोई इनके पास जवाब था जी सर, वहाँ वहाँ स्कूल में भी यही होता है, स्कूल के बच्चे भी पहले आके सब जगह साफ करते हैं, तो उनको करना पड़ा। और कितना मतलब आप सोचो ना, ब्यूटी है मेरे ख्याल से इस चीज में, बड़ी बेहतरीन चीज है यार। और ये आपका इस्लाम भी यही चीज सिखाता है बाय द वे, वो हमने जो प्रैक्टिस में किया है वो एक डिफरेंट चीज है। फिर उनकी सक्सेस करा दें क्या करा दें सक्सेस का सही, बिल्कुल। तो खैर, यही सारे चीजें हैं जो मसले हैं। तो यहाँ पे अगर सर अब छुट्टी दे दें, हाँ सर छुट्टी दे दें, बस खत्म करने वाले, मिनिमम प्राइस खत्म करके छुट्टी करते हैं। मुझे बताओ कि इस वक्त हुआ क्या, एट हायर प्राइस सप्लायर्स रेडी होंगे बहुत ज्यादा सप्लाई करने के लिए, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्या होगा इस गैप को क्या बोलेंगे? सर अजीज ने बताया तो था एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। ओके, दूसरा मसला ये कि लेट्स कमेंट ऑन द पॉलिसी, इफेक्टिव है नहीं है, क्या होगा, फायदा है नुकसान है? गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने सिगरेट्स को महंगा किया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सिगरेट्स को महंगा किया, फॉर एग्जांपल 100 का पैकेट था, गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये 150 का होना चाहिए, 100 पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो थी फॉर एग्जांपल 5 मिलियन, और अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है एट 150 वो कम हो गई है, जो लोग एम ही बीते थे उन्होंने छोड़ दी, और अब सिर्फ 2 मिलियन जो कि प्रॉपर स्मोकर है। राखी वास कट रही है सर, सही आ रही है मुझे तो, हमें भी सही आ रही है, सही आ रही है सर। तुम लोग यार शुक्र है। ओके, डर जाता हूँ मैं, पता ये सुन के आवाज कट रही है। खैर, तो इसको 7 मिलियन कर लेते हैं, क्या 8 कर लेते ताकि, और क्वांटिटी सप्लाइड तो बहुत ज्यादा है, सप्लायर बड़ा खुश है, प्राइस आप बढ़ाएं, वो जितना चाहे बेचे, वो तो उसने 8 मिलियन ले आया मार्केट में, लेकिन क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम है, तो सिर्फ वही लोग पी रहे हैं जो कि हैबिचुअल है, बाकी गैप रह गया। क्या हुआ, वाज द पॉलिसी इफेक्टिव? इनइफेक्टिव सर, गवर्नमेंट कुछ भी करे इनइफेक्टिव ही रहेगा सर। इफेक्टिव थी ना, जो गवर्नमेंट करना चाह रही थी वो हो गया। एग्जैक्टली, अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है किसकी, ये गवर्नमेंट अगर बात कर रही है उन गुड्स की जो कि हार्मफुल है, और गवर्नमेंट का मकसद ये था मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस लगाने का, कि इनकी कंजम्पशन कम हो, लोग कम सिगरेट पिए, लोग कम वेपन्स खरीदे, तो क्या हुआ, दे वर वेरी सक्सेसफुल। लेकिन सर बिजनेस को तो नुकसान हुआ ना, वो तो छोड़े ना, हमारा 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 वो क्या था, मकसद क्या था, बिजनेस को नुकसान हुआ फायदा हुआ ये अभी आप बताएंगे। अभी मुझे ये बताएगा कि गवर्नमेंट का एम क्या था, कंजम्पशन कम करना, क्वांटिटी कम हो गई है, एम अचीव्ड, गवर्नमेंट बहुत खुश है, ठीक हो गया, पहले 5 मिलियन बिक रहे थे अब सिर्फ 2 मिलियन, टैक्स कम ही मिलेगा गवर्नमेंट, टैक्स पे आ रहा है। अच्छा, इस डायग्राम में हमने कोई टैक्स की बात नहीं की, और इसको हम कंपेयर वही करेंगे टैक्सेस से करेंगे, जो हमने कल पढ़ना है इंशाल्लाह, कल हमारा टैक्सेस का टॉपिक है, तो हम बोलेंगे मिनिमम प्राइस बेहतर है या टैक्स लगाना बेहतर है। अच्छा, लेकिन अभी के लिए जरा सा इसको वाइंड अप कर दें कि ये पॉलिसी अगर अगर इसका मकसद ये था कि कंजम्पशन कम हो तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर इसका मकसद ये था कि ये लेबर की वेज बढ़ाने की बात हो रही थी तो ये इनइफेक्टिव है, क्योंकि उस वक्त जो एक्सेस सप्लाई है वो क्या होगी,
वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेस सप्लाई विद बी द अनएम्प्लॉयमेंट ये सारे लेबर्स हायर नहीं होंगे बात समझ में आ रही है ये सारे लेबर अनएम्प्लॉयड बैठेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो मकसद पर डिपेंड करता है इफ द पॉलिसी टारगेटेड डिस्करेजमेंट ऑफ द कंजम्पशन तो बहुत अच्छी बात है क्या कह रहे हो लेकिन अगर टारगेट ये था कि प्राइस बढ़ाएं तो वेजेस बढ़ाएं तो बड़ा मुश्किल था तो वो अचीव नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी सही आज के लिए काफी है इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे सर रिवीजन प्लान जो आप बोल रहे थे बता दें यार हाँ उसका हम ये सीन करेंगे कि आप लोगों को फ्राइडे और सैटरडे को दो दो घंटे की क्लासेस होंगी हमारी और उसमें हम पुराने टॉपिक रिवाइज करेंगे उसकी मैं एग्जैक्ट टाइमिंग और टॉपिक बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद फ्राइडे और सैटरडे ठीक है थैंक यू बाय अल्लाह